गाइस वेलकम टू अवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त गुलशन कुमार यादव और मैं लेके आ गया हूं आपके लिए फिर से एनसीईआरटी सीरीज की लेक्चर्स। इस लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर आगे क्या क्या डेवलपमेंट हुए। पार्ट फर्स्ट मैंने बना दिया है और अपलोड कर दिया गया है, ठीक है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा क्या कि इसके बारे में आगे क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए, इसके आगे के फीचर्स और क्या क्या थे, ठीक है। अब तक मैंने आपको क्या क्या बताया, इंडस वैली का जो मैप था वो कहाँ कहाँ था, ठीक है, ये कहाँ था, नॉर्थ वेस्ट जो इंडिया है वहाँ पे था, जो कि पाकिस्तान का एरिया भी कवर करता है, जैसे कि क्या सिंध पंजाब वाला रीजन है इंडिया के अंदर, पंजाब राजस्थान और ये गुजरात हरियाणा पंजाब वगैरह जो रीजन है यहाँ पे इनको इसके अंदर क्या आते हैं, ये इंक्लूडेड होते हैं। इसके बाद में गाइस यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंट है, ये अदर है, ठीक है। अदर नेम्स इसके मैंने बताया क्या, हरप्पन सिविलाइजेशन, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन इसके नाम है। ये किसके द्वारा डिस्कवर की गई थी, दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी के द्वारा डिस्कवर की गई थी। अब मैंने आपको जो टाइमलाइन बताई थी ये, ठीक है, अगर आप इसको गौर से देखोगे तो ये कब 2 मिलियन ईयर्स अगो से क्या हुई, शुरू हुई, 2 मिलियन ईयर्स अगो से शुरू होते होते ये लगभग 6000 BCE तक आते थे। क्या हुआ कि यहाँ तक आते आते क्या स्टोन एज थी, ठीक है। स्टोन एज के बाद में क्या हुआ कि लोग क्या हुए, थोड़े ज़्यादा सिविलाइज्ड हुए और एक जगह रहने लगे, अबाउंडेंस में आने लगे। तो इसके बाद में क्या हुआ, एक सिविलाइजेशन डेवलप हो गई 2600 के अंदर, ठीक है। अब टाइमलाइन का हम बात करते हैं बार बार में गए ताकि आपको एकदम पूरी तरह से याद हो जाए। इसके बाद में हम बात करें तो इसके जो फीचर्स थे वो क्या क्या थे, कि कैसे टाउन प्लानिंग होती थी, टाउन प्लानिंग में कैसे जो दो पार्ट थे, सिटाडल और हाउसिंग, सॉरी सिटाडल और जो लोअर एरिया था वो कैसे अलग अलग थे। इसके बाद में हमने देखा क्या हाउसिंग कैसे बनती थी, इंटरलॉकिंग मेथड से, ब्रिक्स जो बन थी, बंट ब्रिक्स से ये क्या होते थे, बनते थे। बंट ब्रिक्स क्या थी, यहाँ के एक स्पेशल फीचर थी जिसमें अंदर जिप्सम मोर्टार का यूज़ किया जाता था, जो कि इक्वल रेशियो साइज़ की यूज्ड होती थी, ठीक है। ज़्यादा गाइस मैं इसको एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैंने पिछला वीडियो पूरा इसके ऊपर एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद में हम देखें तो क्या टू स्टोरी हाउसेस यहाँ पे देखने को मिले हैं और स्टेयर्स भी मिली हैं। इस स्टेयर से हमने आइडिया लगाया कि यहाँ पे क्या होते थे, टू स्टोरी हाउसेस या थ्री स्टोरी हाउसेस भी कई कई जगह पे देखने को मिले हैं। अब ड्रेनेज सिस्टम थे, ठीक है, वो इतने ज़्यादा अच्छे थे कि वो हर एक, पहली बात तो हर एक साइड के अंदर थे, वो रोड्स के अंडरग्राउंड होते थे और सैनिटेशन और हेल्थ का इससे पता चलता है कितना ज़्यादा कंसर्न था वहाँ पे। जो अंस्टमके कौन है गाइस, ये एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, ये क्या कहते हैं कि मुझे नालियों से प्यार हो गया क्योंकि इतनी ज़्यादा अच्छी तरह से कंस्ट्रक्ट की गई हैं। इसके बाद में हम देखें तो रोड्स जो थी वो क्या थी गाइस, बर्न ब्रिक्स से बनती थी। बर्न ब्रिक्स कैसे गाइस, जो डस्टबिन वगैरह जो होते थे ना, ठीक है, रोड्स के साइड में रखे हुए थे, इससे पता चलता है क्या कि कितना ज़्यादा सैनिटेशन का यहाँ पे ध्यान था, ठीक है गाइस, आप समझ रहे हो कि सैनिटेशन का कितना ज़्यादा रोल रहता था, ठीक है। इसके बाद में हम देखें तो क्या स्ट्रीट जो थी वो भी किससे बनती थी, बर्न ब्रिक्स से बनती थी। अब मैंने आपको बताया था क्या हाउस, रोड्स और ड्रेन्स, वो तीनों किससे बनती थी, एक ही टाइम पे बनती थी, एक ही टाइम एक साथ करके बनाई गई थी। कैसे, क्योंकि जो रोड्स थी ना, ठीक है, उनके बगल में क्या थे, घर, और घर से क्या निकलते थे, नाले, और नाले कहाँ से जाते थे, रोड के अंडर से। इससे क्या पता चलता है कि रोड के अंडर में है, यानी कि रोड बाद में बनी होगी, नाले अंदर से आ रहे घर के, यानी कि नाले पहले बने होंगे, ठीक है, और घर क्या है, रोड के जस्ट बगल में, तो रोड बाद में, यानी कि क्या एक तरह से तीनों साइमेंटेनियसली एक साथ बने हुए हैं। इसके बाद में मैंने एग्रीकल्चर के अंदर कई सारी चीज़ें देखी, जैसे कि वीट, बार्ले, पील्स, पीस, सीसम, लाइन सीड वगैरह हमने देखे। इसके बाद में हमने देखा कि कॉटन के भी ग्रोथ होती थी कहाँ पे, मेहरगढ़ी, इससे पता चलता है कि क्या क्लोथ क्या पहनते थे। और टूल्स हमने देखे क्या, प्लग कैसे, क्योंकि हमने टॉयज़ वगैरह के अंदर देखा प्लग का यूज़, यहाँ पे प्लग्स के टॉयज़ वगैरह देखे, इससे हमें पता चलता है कि क्या ये टूल्स कौन सा यूज़ करते थे, प्लग। इसके बाद में हमने देखा क्या मोहनजोदड़ो की जो साइट है, यहाँ पे हमें क्या मिला, ग्रेट बाद क्या है गाइस, ये इतने स्पेशल क्यों है, क्योंकि इसकी लेंथ एक तरह से हाथ के जो स्विमिंग पूल होते हैं वैसे कुछ है, ठीक है। इससे पता चलता है कितने ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी थी, 12 मीटर लेंथ थी, 7 मीटर ब्रेथ और 2.5 मीटर हाइट, ऐसे करके कुछ इसकी डायमेंशन थी, जिसके वजह से यहाँ पे इसको रिचुअलिस्टिक भी बोला गया। मैंने इसके रिचुअलिस्टिक होने के कारण बता दिए हैं पीछे, ठीक है। आज मैं आपको शुरू करने जा रहा हूँ कहाँ से, सील से। अब सील्स क्या होती थी गाइस, सील्स बनती कैसी थी, कैसी दिखती थी, क्या होती थी, किससे बनती थी, क्या इनके ऊपर इंस्क्राइब्ड होता था, किस क्या इसका यूज़ होता था, ठीक है, ये सब मैं आपको आज बताऊंगा। यहाँ पे क्या है, स्क्वायर इसकी शेप होती थी, क्यूब इसकी शेप होती थी, या फिर रेक्टेंगल या फिर सिलेंड्रिकल। मोस्ट ऑफ जो सील्स थे ना वो क्या थी, स्क्वायर, यानी कि 2x2 क्या थी, साइड थी, ठीक है। इसके बाद में हम देखेंगे इसके ऊपर क्या है, एनिमल मोटिव्स वगैरह थे। एनिमल मोटिव्स क्या होते हैं गाइस, कि एनिमल के इनके ऊपर क्या थे, इम्प्रिंट्स थे। इम्प्रिंट्स होने का मतलब है क्या, कि जैसे कोई सील है, ठीक है, इसके ऊपर अगर कोई जानवर है, ठीक है, हालांकि मैं एक इंसान बना रहा हूँ वो भी ज़्यादा अच्छा नहीं बना रहा, ठीक है,
अगर लेकिन क्या होता है कि जैसे कि मैंने यहाँ पे एक इंसान बना दिया, लेकिन ऐसे ही क्या होते थे इनके जो सील्स होती थी ना वहाँ पे ये क्या करते थे कि यूज़ करते थे क्या एनिमल्स वगैरह, ठीक है। हालांकि और भी चीज़ें यूज़ करते थे जैसे कि मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके बाद में हम देखें तो क्या ये जो राइटिंग्स थी ना यहाँ की, इसके ऊपर राइटिंग्स भी देखने को मिली है ऐसी कुछ शेप्स वगैरह की, ये कुछ अजीब अजीब चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली हैं राइटिंग्स के अंदर, जो कि क्या है अनडेसिफर्ड है। अनडेसिफर्ड का मतलब क्या होता है गाइस कि मतलब हम पढ़ने के काबिल नहीं हुए अभी इसको, ठीक है। इतनी ज़्यादा हमारे अंदर नॉलेज या फिर इसको इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है इस लैंग्वेज से कि हम इसको समझ सकें। इसके बाद में हम देखें तो इसका यूज़ क्या था गाइस, ट्रेड। अब हमें कैसे पता चला सेल का यूज़ जो था वो ट्रेडिंग के लिए होता था, क्योंकि यहाँ पे क्या मिली है एक बोट मिली है सील के ऊपर, जहाँ से पता चला हमें क्या ये ट्रेड के लिए भी यूज़ होती थी। और सील जो होती थी वो एक तरह से करेंसी की तरह यूज़ होती थी। सॉरी गाइस ये पेन की थोड़ी एक सेकेंड, ये एक तरह से क्या करेंसी की तरह यूज़ की जाती थी क्या सील, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कुछ इंस्क्रिप्शंस वगैरह भी होते थे, ये राइटिंग्स है गाइस यहाँ की। और अगर आप देखो तो ये ज़्यादातर समझ में नहीं आ रही है, लेकिन अगर आप गौर से देखने की कोशिश करो तो ये क्या गाइस एक तरह से फ़िश का आकार है, ठीक है। अब फिश का आकार है तो यहाँ से क्या पता चलता है यानी कि ये फिश खाते होंगे। दूसरा है एविडेंस हम ये भी लगा सकते हैं क्योंकि ये समुद्र के किनारे रहते थे, नदियों के पास रहते थे, यानी कि फिश कैप्चरिंग बहुत कॉमन थी और इनके स्टेपल फूड में भी क्या आ सकता है फिश आ सकता है। इसके बाद में हम और देखें तो क्या है पशुपति की सील और यूनिकॉर्न सील क्या है गाइज एक सींगा। अभी एक सींगा गाइज ऐसा कोई जानवर हो नहीं सकता वैसे तो, पर यहाँ पर जो सील मिली है इसके ऊपर ऐसा है कि एक सींग का जानवर है। हम ऐसे अज्यूम कर सकते हैं कि वो जो जानवर है वो साइड की पोस्चर में खड़ा है, ठीक है। एक अगर किसी को सामने से देखोगे तो दोनों कान दिखेंगे, ठीक है, ये कान है इसके दोनों कान दिखेंगे। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे खड़ा कर दूं, ठीक है, तो मुझे इसका सिर्फ एक कान दिखेगा। तो हो सकता है शायद ऐसे करके एक ही सींग दिख रहा हो, यहाँ पे दो सींग थे लेकिन यहाँ पे मुझे एक सींग दिख रहा हो। समझ में आ रहा है गाइस? देखो मैं फिर से बनाता हूँ यहाँ पे, जैसे ये इसका मुँह है, ठीक है, ये सामने वाला मुँह है जो यहाँ पे मुझे क्या दो सींग दिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये इसका साइड का मुंह है, यहाँ पे मुझे एक आँख एक कान और एक सींग, क्या पता इसी के पीछे दूसरा सींग हो, तो ऐसा हो सकता है गाइस, ठीक है। दूसरी बात करें तो क्या है ट्रेड और कहाँ से क्या चीज़ लाते थे, ये गोल्ड वगैरह जो था वो कर्नाटक से लाते थे। कर्नाटक में KGF की जो मूवी बनी है ना गाइस, KGF कोलार गोल्ड फील्ड्स, ये यहीं पे हैं, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें तो जो कॉपर है, कॉपर वो कहाँ से लाते थे, खेतरी राजस्थान और ओमान से। ओमान कहाँ है गाइस, आउट ऑफ कंट्री में है, ठीक है। खेतरी कहाँ है गाइस, झुंझुनू जो अपने डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान की, इसके अंदर है ये, ठीक है। ये घनेश्वर जोधपुरा कल्चर नाम की कोई कल्चर था वहाँ पे, वहाँ से ये लाते थे। टिन जो है वो कहाँ से लाते थे, अफगानिस्तान और ईरान से। अफगानिस्तान और ईरान आप देखो तो पाकिस्तान के जस्ट उधर कौन है, अफगानिस्तान और थोड़ा सा आगे जाते क्या है ईरान, ठीक है। स्टोन्स जो थे वो कहाँ से लाते थे गाइस, स्टोन्स का मतलब ये नहीं कि पत्थर तो नॉर्मली सब जगह मिल जाते हैं, लेकिन ये क्या थे प्रीसियस स्टोन्स थे, ठीक है, जेम्स जिन्हें हम बोलते हैं। ईरान से लाते थे, अफगान से लाते थे और गुजरात से ये लाते थे। अब ये लाते किस पे थे गाइस, बुलक कार्ट्स। देखो गाइस यहाँ पे एक टॉय फिर से हमें मिला है जिससे हम आइडिया लगा रहे हैं क्या कि ये इससे ट्रेडिंग करते थे, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं यहाँ पे गाइस, क्या जैसे ही कालीबंगा कहाँ है गाइस, हनुमानगढ़ क्या है कहाँ है गाइस, राजस्थान का जो टॉप मोस्ट एरिया ना वहीं पे क्या है हनुमानगढ़ है, ठीक है, गंगानगर के जस्ट बगल में। इसके बाद में यहाँ पे फायर एल्टर्स मिले हैं कालीबंगा में, यानी कि हवन कुंड जहाँ से हवन करते हैं, ठीक है, यज्ञ वगैरह। क्ले की बैंगल्स मिले हैं, अब गाइस इसको तो बैंगल फैक्ट्री भी बोलते हैं, यहाँ पे इतनी ज़्यादा क्ले की बैंगल्स मिली है, बैंगल्स मतलब कि चूड़ियाँ, ठीक है। इसके बाद में लोथल जो है वो गल्फ ऑफ खंबात में, गुजरात का ये समुद्र के पास वाला रीजन है उसको बोलते हैं गल्फ ऑफ खंबात, ठीक है। यहाँ पे क्या मिला गाइस, फायर एल्टर्स मिले हैं, टू स्टोरी हाउसेस मिले हैं और डोकयार्ड देखने को मिला है। डोकयार्ड होता है गाइस जहाँ पे क्या होते हैं शिप आके खड़ी होती हैं, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं क्या गाइस, राखी गढ़ी जो है वो गाइस हरियाणा के अंदर और सबसे लार्जेस्ट साइट है, कहाँ की, इंडस वैली सिविलाइजेशन की। अगर आपको मैं पूछूं पैलियोलिथिक साइट की सबसे बिगेस्ट साइट कौन सी है, तो अभी एक रिसेंटली डिस्कवरी चल रही है, अगर आपको नॉलेज में हो तो गाइस कमेंट सेशन में मुझे ज़रूर बताएं। हालांकि मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बना रखा है, आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में गाइस धोलावीरा की बात करते हैं तो इसको क्या बना दिया गया है, 40th वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना दी गई है। ये भी कहा है गाइस गुजरात के अंदर ही है और ये ओनली साइट है जहाँ पे जिसको क्या है तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब तीन पार्ट्स में डिवाइड कैसे गाइस, एक होता था वेस्टर्न एरिया जैसे मैंने आपको बताया था जहाँ पे क्या था सिटाडेल,
दूसरा होता था गाइज ईस्टर्न एरिया, जिसको बोलते थे लोअर एरिया, और बीच वाला, इसके अंदर एक बीच वाला पार्ट भी है जिसको बोलते हैं प्लेन में, प्लेन ग्राउंड, ठीक है। ये क्या था, ग्राउंड है, इतना आपको समझ में आया। इसके बाद में बात करें तो क्या है गाइज, यहाँ पे एक टेक्निक होती थी लोस्ट वेक्स टेक्निक, इसको सिरा परड्यू भी बोलते हैं, लेकिन ठीक है। ये क्या है गाइज, ये एक डांसिंग गर्ल, इससे क्या होती थी गाइज, ब्रॉन्ज की स्टैचूज बनती थी। अब मैं आपको एक बता देता हूँ ओवरव्यू की कैसे बनती थी। सबसे पहले क्या करते थे, एक वैक्स की स्टैचू बनाते थे, वैक्स की स्टैचू बनाने के बाद में ये क्या करेंगे, इसके बाहर में एक टेराकोटा की कोटिंग कर देंगे। अब टेराकोटा क्या होगा, टेराकोटा होता है गाइज एक तरह की क्ले, ठीक है। ये कोटिंग कर देंगे तो इसको क्या करेंगे, फिर इसको हीट करेंगे, ठीक है। हीट करने के बाद में इसको क्या कर देंगे, काफ़ी टाइम के लिए छोड़ देंगे, तो क्या वो एकदम टाइट हो जाएगी। टाइट होने के बाद में क्या करेंगे, और बाहर की, ये तो टाइट हो जाएगा लेकिन ये क्या हो जाएगी, पिघल जाएगी। पिघलने की वजह से इसके अंदर नीचे से एक छेद करेंगे पैर के पास से या कहीं से भी, ठीक है। वहाँ से क्या होगा, सारी वैक्स को रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है। अब वैक्स रिमूव करते हैं, आप सोच रहे हो सर ये तो बाहर की कवरिंग कवरिंग बच रही है। हाँ गाइस, अब क्या करते थे, ये लिक्विड मेटल को डालते थे, ठीक है। लिक्विड ब्रोंज, मेटल तो क्या ही था गाइस, और तो ठीक है, ब्रोंज ही था, ठीक है। ब्रोंज के लिए तो हम ये टेक्निक बता रहे हैं, ठीक है। लिक्विड ब्रोंज को इसके अंदर डालते थे, उससे छोटे से होल के अंदर से, और फिर उसे क्या करते थे, कूल। अब कूल करने के बाद में गाइस देखो क्या होता था, इसको क्या कर दिया जाता, बाहर वाली टेराकोटा को रिमूव कर दिया जाता था, और क्या बन जाता था हमारे पास, सिर्फ एक ब्रोंज की स्टैचू बन जाती थी। डांसिंग गर्ल हमें देखने को मिली है, ठीक है, जो कि वर्ल्ड की सबसे पुरानी स्कल्पचर्स में से एक है, जो कि ब्रोंज की बनी हुई है, ठीक है। इसके बाद में स्कल्पचर्स मिली है यहाँ पे बियर्डेड प्रिस्ट की, ठीक है। बियर्डेड प्रिस्ट कौन है गाइज, माना जाता है कि वो किंग भी थे, ठीक है। यह आपकी बुक के अंदर ड्राइंग दे रखी है, सॉरी गाइज यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया और मैं इसको पेस्ट ही नहीं किया शायद मैंने, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, एक बार आपके बुक के अंदर है वहाँ पे अगर आप देखोगे तो वो क्या है कि काफ़ी ज़्यादा एक बियर्ड, ऐसा एक इंसान है जिसकी बियर्ड क्या है, काफ़ी ज़्यादा ट्रिम की हुई है और काफ़ी ज़्यादा स्टाइल में काटी गई है, जिससे हमें क्या पता चलता है, फैशन, ठीक है, वहाँ की फैशन कैसी है, ठीक है। फैशन की भी उनको क्या थी, नॉलेज थी, और उनके उन्होंने एक शॉल ओढ़ रखा है, ठीक है, जो कि एक कंधे के ऊपर से आके दूसरे कंधे के नीचे से जा रहा है, वहाँ पर ट्राइफोलिक पैटर्न बना हुआ है। ट्राइफोलिक पैटर्न होता है गाइस कि मतलब ऐसा कुछ, ठीक है। ये थोड़ा वो आप ओवरऑल व्यू देख देता हूँ मैं आपको, ठीक है। इसके बाद में टॉयज होते थे गाइस, टॉयज जैसे क्या, डाइस बुलक्स, देखो ये डाइस रहे, ये बुलक्स रहे, वगैरह वगैरह, ये कुछ खेलने की चीज़ें ये रखते थे। इसके बाद में अगर आप देखो तो क्या है, स्टोन वेट्स भी थे यहाँ पे। स्टोन वेट्स क्या होते थे गाइस, मतलब कि तुला, जिससे हम क्या करते हैं, मेज़र करते हैं वेट को। ये देखो गाइस, आप इसको देख के समझ गए होगे कि पूरा क्या है ये, ठीक है। ये क्या है, पत्थर है जिनसे हम क्या करते हैं, एक आइडिया लगा लेते हैं, ये दो, ये 5 किलो का, ये 2 किलो का, ये 1 किलो का है, ठीक है। इससे हम क्या करते थे, चीज़ों को नाप लेते थे। अब फैशन के बारे में हमें और भी चीज़ें मिली हैं गाइज, क्या, बीड्स, बीड्स से हमें पता चलता है ये, ये देखो गाइज गले में पहनने का हो गया, ठीक है। ये और कुछ गले में माला बना के इनसे पहन लो, या हाथ में पहन लो, ये वगैरह वगैरह कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब एंड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसे हुआ, ठीक है, इतनी बड़ी सिविलाइजेशन इतने टाइम तक चली, ये ऐसे ऐसे ग्रो हुई, वो एंड कैसे हो गई, ठीक है, अचानक से ऐसा क्या कारण रहा जिसकी वजह से क्या हुई एंड। तो मैं आपको बताता हूँ गाइस कि यहाँ के जो रिवर थी वो सूख गई, ऐसा माना गया कई आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा। हाँ, हालांकि में जो सरस्वती रिवर थी वो सूख भी गई, हो सकता है ये भी सही हो। नेचुरल डिजास्टर आ गए हो, जैसे कि फ्लड आ गया हो रिवर की वजह से, या फिर ड्रोट पड़ गया हो रिवर के सूखने की वजह से, ये भी हो सकता है। डिफॉरेस्टेशन इतना ज़्यादा हो गया कि क्या हुआ कि यहाँ पे क्या हो गया, ड्रोट आ गया हो और खाने के लिए कुछ बचा ही ना हो, माइग्रेशन हो गया हो लोगों का, ठीक है, किसी कारण की वजह से, या फिर फॉरेन इन्वेजन, जो कि आर्यंस, इसके बाद में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद में जो वैदिक सिविलाइजेशन आएगी, क्या पता वो उन्होंने इनके ऊपर अटैक कर दिया हो, ठीक है। ऐसे कुछ रीजंस माने गए हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इसका एंड ऑफ सिविलाइजेशन माना गया है। तो थैंक यू गाइज, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो गाइज प्लीज़ इसको लाइक करो, शेयर करो और अपने चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं ऐसे आपके लिए अब रेगुलर क्या लाता रहूँगा, वीडियोज़ लाता रहूँगा, जिससे आपको पूरा हिस्ट्री का बेस क्लियर हो जाएगा, ठीक है गाइज। इससे ज़्यादा आपको ओवरऑल व्यू कहीं नहीं मिलेगा यूट्यूब पे, मैं आपको इसकी गारंटी देता हूँ, ठीक है गाइज, थैंक यू।